हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैनेजर्स कमीशन और कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश की थी कि मैनेजर्स कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। मैनेजर्स कमीशन जो होता है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि आप उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं और मैनेजर्स कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। मैनेजर्स हमारा एम्प्लॉय होता है जिसको हमको कमीशन देना होता है, कहां से? तो प्रॉफिट से, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। उसी तरीके से आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। जो पार्टनर होते हैं बिजनेस के, जो ओनर होते हैं बिजनेस के, वो बिजनेस को कैपिटल देते हैं, लेकिन कैपिटल देना तो उनका फर्ज होता है कि हम बिजनेस में कैपिटल लगाएं, तभी तो बिजनेस चलेगा ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपका पार्टनर होते हैं वो कैपिटल ना देकर के बिजनेस को एज ए लोन देते हैं। कैपिटल देना तो फर्ज है, ठीक है, बिजनेसमैन का, ऑनर का, लेकिन क्या आपका लोन देना भी फर्ज है क्या? लोन देना कोई फर्ज नहीं है, वो तो आप एक तरीके से कर्ज है किसी के ऊपर भी। आपने लोन, आपने यानी पार्टनर्स ने, ऑनर ने जो लोन दिया है फर्म को, वो फर्म के लिए एक तरीके से कर्ज है, उधार है पैसा, और उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट चुकाना होगा। किसको? तो देना होगा आपको पार्टनर्स को। वो जो इंटरेस्ट होगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे हमने मैनेजर्स कमीशन को कहा था कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमेशा बार बार इसको याद रखिएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना कि इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं भी दिया हुआ नहीं है। जब इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट अंडर पार्टनरशिप एक्ट हम उसको 6% मानते हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन में यह भी नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, यानी प्रॉफिट जो होगा बिजनेस का उस किस रेशियो में बांटा जाएगा, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो उसको भी पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत अगर इंटरेस्ट जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो दो बातें इसमें हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो 6%, और अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है। ए एंड बी, ए और बी जो है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ, कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख रुपए, ठीक है। The profit for the year ended 31st March 2019. हम जो किस फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग कर रहे हैं 2018-19 का, जिसमें प्रॉफिट है हमको 3,46,000, लेकिन कहता है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये जो प्रॉफिट है 3,46,000 का, इसमें से अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, कर्ज दिया है, उधार दिया है, उसके पहले का प्रॉफिट इतना है, बिफोर है ना। तो आपको जो प्रॉफिट देना है, आपका जो प्रॉफिट होगा, ये क्या आपका नेट प्रॉफिट है क्या? ये इसको नेट प्रॉफिट मान लोगे? अभी ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सबसे पहले इस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को घटा लेंगे और तब जो प्रॉफिट बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट है और वो अब ऑनर का प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, सॉरी, इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है कुछ, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना है? 1,50,000 रुपीज। जो ए का लोन है वो 1,50,000 रुपए है, और उन्होंने लोन दिया कब है? लोन दिया कब है फर्म को? तो 1 अप्रैल 2018 को लोन फर्म को दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन इसने नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट 6% मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%। जो कैपिटल लगाया है
ए में और बी में, इस पे इंटरेस्ट देगा कौन? देगा कौन? देगा किसको? देगा तो पार्टनर को, यानी ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, जिसका रेट दिया है गिवन है आपको 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम गिवन है, और ए का ड्रॉइंग है कितना 60,000 और बी का ड्रॉइंग कितना है 40,000 रुपीज। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ये नहीं दिया हुआ है कि हमने ड्रॉइंग जो पैसा निकाला है बिजनेस से वो कब निकाला है, महीने के शुरुआत में निकाला है, महीने के अंत में निकाला है, या अप्रैल में निकाला है, जून में निकाला है, जुलाई में नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको 6 मंथ मान लेंगे, यानी 6/12। बी इज टू बी अलॉट अ कमीशन, यानी कि बी मेरा जो ऑनर है उसको कमीशन देना है कितना 2%, किस पर देना है तो सेल्स पे देना है, और सेल्स क्वेश्चन में हमारे गिवन है कि सेल्स कितना हुआ हमारा 30 लाख का सेल्स हुआ, इसका 2% बी को कमीशन देना है, ठीक है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी केप्ट एज अ रिजर्व, और जो भी प्रॉफिट डिवाइड कर देने के बाद प्रॉफिट को जो भी बचेगा उसका 10% हमको क्या करना है एज अ रिजर्व बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम आते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन पार्टनर ने बिजनेस को दिया है उसको हटा लेंगे, उसको हटा लेंगे पहले प्रॉफिट में से। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो आपका गिवन है क्वेश्चन में वो है 3,46,000 रुपीज। इस प्रॉफिट में से, ये अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से हमको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हटाना होगा। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने लोन दिया है, ए ने लोन दिया है 1,50,000 रुपीज का, वो लोन पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1.5 लाख पर 6%। क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है कितने रेट से चार्ज किया जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेते हैं ये 6% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो 6% इसका आता है 9,000 रुपए। 3,46,000 में से हम अगर 9,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा अब जो है वो नेट प्रॉफिट निकलता है वो कितना है 3,37,000 रुपीज का। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, अब ये ऑनर का है, इसमें से चाहो तो आप सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, है ना, या जो मर्जी चाहे आप ऑनर को इसमें से दे दो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 3,37,000 आया ये हमारा नेट प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफर कहां कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यहां पर आ गया 3,37,000। अब इसमें से हम जो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले है इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 5%, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला वो 25,000 का निकला, और बी का 3 लाख कैपिटल है जिसका 5% आपका 15,000 रुपए निकला, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बना ए और बी का वो है 40,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम जो है वो क्या देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे देखना ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 6% गिवन है, ठीक है। ए का जो आपका ड्रॉइंग है वो 60,000 रुपए का है, और बी का जो ड्रॉइंग है वो है 40,000 रुपीज का। यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए फायदे का बात है, इनकम है इसीलिए वो क्रेडिट कर रहा है। ए का 60,000 का है ड्रॉइंग्स, रेट जो दिया हुआ वो 6%, 6/100, और इसमें ये नहीं दिया हुआ कि हम ड्रॉइंग कब किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको 6 मंथ मान लेंगे, यानी 6/12। तो ए का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 1,800 रुपए बन रहा है, बी का ड्रॉइंग 40,000 रुपए, 6% के हिसाब से एवरेज रेट मान लेते हैं 6 मंथ, तो 6/12 जो कि 1,200 रुपए, तो टोटल जो है आपका 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर ने फर्म को दिया। ये पैसा मेरे पास आया है ना 3,40,000 रुपए का टोटल आया, जिसमें से हमने क्या माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है।
इसको माइनस करने के बाद अब यहां पर क्वेश्चन पढ़ो, हमको एक रिजल्ट बनाना है। यहां देखो 10% है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ तो इसके बाद आप देखोगे कि इधर से हमारा जो है 3,37,000 पैसा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, 3,000 रुपए ड्रॉइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 40,000 दे दिया और अब है कमीशन। कमीशन भी देना था, किसको देना था, तो बी को कमीशन देना था, ठीक है, किसका, तो सेल्स है। यहां देखो 30,00,000 का सेल है और 2,00,000 का आपका 2% इसके क्या था आपका कमीशन है, ठीक है, तो 30,00,000 का 2% आपका जो कमीशन है, कमीशन टू बी वो 60,000 रुपीज हमने बी को दे दिया। अब देखिए आपका एक रिजर्व बनाना है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट एज अ रिजर्व, यानी प्रॉफिट को डिवाइड कर देने के बाद, दे देने के बाद आपका जो बचेगा बचा हुआ प्रॉफिट है उसका आपको कितना रिजर्व बनाना है, 10% का रिजर्व बनाना है। देखिए 3,37,000 प्रॉफिट है जिसमें हम ऐड कर देंगे 3,000, यहां पे देखो 3,37,000 का मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है प्रॉफिट, उसको प्लस 3,000 रुपए इसको ऐड कर देंगे। अब माइनस किसको करेंगे, 40,000 एंड 60,000, 40,000 को माइनस कर दिए और 60,000 को माइनस कर दिए, तो हमारा जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो है 2,40,000, इसी का बोल रहा है 10% हमको रिजर्व बनाना है, तो 10% रिजर्व कितना हो गया इसका, 24,000 रुपए रिजर्व बना दिए 24,000 रुपए का यहां पर देखो, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट जो हमारा बचा इतने में से इतने को माइनस कर लिए तो हमारा प्रॉफिट बचा 2,16,000 रुपए का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अब किसका है, ये प्रॉफिट ऑनर का है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि किस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटे, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेंगे, इक्वली। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका 2,16,000 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए में और बी में, 1,08,000 और इसका हो जाएगा 1,08,000, तो हो जाएगा 2,16,000 का इनका प्रॉफिट, ठीक है। ये फिर हम कहां लेकर जाएंगे, ये सारे चीजें हम लेकर जाएंगे आपका जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, रिजर्व को इसमें से छोड़ देंगे, बाकी सारा चीज कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से के डेबिट साइड पे ले जाएंगे, वहां से चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और देखेंगे, थैंक यू।